नेहा जी, एक नोटिस गया आपको, एक कानूनी प्रक्रिया होती है जी। और यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हैं इधर उधर, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो आप मानती हैं? जवाब आपसे 5, 10, 8 जितने भी प्रश्न पूछे गए हो, क्या आपने जवाब दे दिया? नहीं, वो तो बात चल रही है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, और बिना वकील से बात किए मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्षमा क्षमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं? नहीं, तो वही तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बड़े घाघ लोग हैं, ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूँ तो फंसूँ, ना बोलूँ तो फंसूँ। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ। सवाल है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं, इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात के? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। तो मेरे वकील ने कहा थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, नोटिस का जवाब तुम अभी मत देना मेरे से बात किए बगैर। आपको क्या ये सिर्फ आपने एक रचना रची है, या आपको वाकई मौजूदा हमारी जो सामाजिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, मैं पिछले 2.5 सालों से, आपका नाम क्या है? सईद अंसारी। सईद जी, सईद अंसारी जी, मैं पिछले 2.5 सालों से लोक गीतों पर काम कर रही हूँ। वर्तमान में भोजपुरी लोक गीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना, कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है, तो मैंने इसके खिलाफ अच्छे गाने की शुरुआत की, साफ सुथरे गाने की शुरुआत की। हमने ये बताने की मैंने कोशिश किया कि हमारी जो भोजपुरी है वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी साफ सुंदर है, कितनी प्यारी, कितनी मीठी भाषा है। तो मैंने पहली बार भोजपुरी में बेरोजगारी के गीत लिखे। मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन में सुना दूं, सुनाई देती हूँ, तबीयत थोड़ा कम ठीक है, गला इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा, 2 लाइन आप लोग भी गा लीजिएगा। बैठ के गईला पर वो बात नहीं खियावत महाराज। और भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा। गाइए आप लोग। देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बारी जमीना बधार मांगीला, खेत बारी जमीना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। काहे रोजगार मांगीला? कि 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, और कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, और नून तेल पैचाना उधार मांगीला, नून तेल पैचाना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नेहा जी बैठिए, आप गाते वक्त खड़े अवश्य हो जाइए, लेकिन आपकी तबीयत खराब है इसलिए कह रहे हैं जी, जी। क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं गाया, क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता? क्या लगता है आप? उनसे पूछिए ना, खड़े हैं, काहे हमको नोटिस दिए हैं जी आप लोग? आपको भी तो लगता होगा कुछ? नहीं, पूछिए, वो हैं यहीं पे हैं। आपको क्या लगता है हमको नोटिस दिए हैं, बताइए? हमने कुछ गलत गाया? अभी गा के सुना? नहीं, इग्नोर मत करिए, अभी मैंने गाना गा के सुनाया ना, कुछ गलत किया है मैंने? कितना दबाव लेते हैं यार आप लोग, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए, बोलिए। अब देखिए, आप पुलिस वालों को लपेट रही हैं? नहीं, लपेट नहीं रही हूं, मुझे लपेटा गया। तो सर, आप बताइए ना नेहा जी, मुझे नहीं पता। आप ऐसे कैसे नहीं, आपको 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 बाकी सारे मुझसे क्यों डरेंगे आपसे? मुझे क्या पता, इनको लगता होगा कि कहीं नेगेटिव परसेप्शन न बन जाए इनके बारे में, कहीं वोट न कट जाए, ये डर होगा, और क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? डर है ना?
जी, लोगों से पूछिए। एक और चीज मैं एकदम यहाँ पे स्पष्ट करके जाना चाहती हूँ, आप लोग बताइए, क्योंकि उस नोटिस में लिखा गया है कि मेरे गाने से सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। आप लोग एक बार प्लीज हाथ उठा के बताइएगा, क्या सच में बिगड़ा है? कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है? नहीं बिगड़ा है ना? साथ में बोलिए, नहीं बिगड़ा है ना? दबाव नहीं बना रही हूँ मैं किसी पे, नहीं बिगड़ा है, ठीक है। कलेक्टर ठुमकेबाज का अर्थ ये है भैया कि पूरी असंवेदनशीलता के साथ दीक्षित परिवार के घर पे बुलडोजर चल गया। इधर पता चला कि कलेक्टर साहिबा नृत्य कर रही हैं, यही है कलेक्टर ठुमकेबाज बा, सटकल होकर मिजाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा, अरे का बा यूपी में काबा। नेहा जी, ऐसा क्या आप ये मानती हैं कि सिर्फ आप ही हैं एक ऐसी लोक गायिका, गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता जो सिर्फ? मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मान ली, चली गायिका मान लिया, लोक गायिका मान लिया, जो आप मान ले, एक एक उत्तर प्रदेश और भारत वर्ष की निवासी, क्या आप इकलौती ऐसे निवासी हैं या नागरिक हैं जो सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप ये मानती हैं कि आप इकलौती हैं जो आप पर कार्रवाई हो रही मैं है? मैं बिल्कुल इकलौती नहीं हूँ। और देखिए, एक चीज होती है जिम्मेदारी, जो महसूस करने की चीज होती है, ठंड भी है ना, वो भी महसूस करने, महसूस करो तो ठंड लगती है, महसूस करो तो महसूस होता है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इस जिम्मेदारी को समझा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, आपने कहा ना कि केवल आप ही नहीं है जो ये काम कर रही है, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी भीड़ है जो कहीं ना कहीं सरकारी कवि, सरकारी लेखिका, सरकारी गायिका बनने पे उतारू है ना, एक साइड से बहुत सारे लोग हैं। और एकदम सच बात है, कौन पूछ रहा है जी आज सरकार से सवाल, कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत, मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। आप न्यूज देखती है नेहा जी? नहीं, लो भैया, बिना न्यूज देखा ले बताओ तो नहीं देखती है आप? प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं भैया, हम आप क्या हमारे तो कार्यक्रम देखिए, हम उसमें क्या दिखाते नहीं, हैं नहीं, हम वही जितने तो... प्रश्न पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा, एक गाना गाल देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं हमने, आपने भी एहसान करते हैं, आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी, वो आपका कर्तव्य है, आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, आपको एहसान नहीं करते हैं आप, जिस माँ बेटी आपने बताया ना, मैंने ये दिखाया, मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं नहीं नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं, लगाओ हथकड़ी भाई, आप आगे यहाँ लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ, आप भाग रही हैं, लगाइए हथकड़ी भाई, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं नेहा जी? भैया सारे जवाब यहाँ दे देंगे आप, कैसे जवाब कागज पे लिखने के लिए, इतना छोटा सा प्रश्न, राहुल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने राहुल बानी के लगाओ हथकड़ी, हमारा के कोनो गलती कैले बानी, तो कोनो अपराध कैले बानी, तो अपराध किया है मैंने नहीं, तो किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब ही है लिखित में दे दीजिए ना, दोषी पाई गई तो उठा ले जाएगी नहीं, वो मेरे आप पुलिस को इतना कमजोर समझती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं समझती, आपको क्या लगता है का प्रोसेस है, आपको क्या लगता है, देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी है वहाँ अधिकारी, आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती हैं उनकी दृष्टि में, तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती? दोषी हुई नहीं, जब मैं दोषी हुई नहीं, तो आप मुझे दोषी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप जज हैं? नहीं, मैं जज नहीं हूँ। तो फिर आप कैसे निर्णय कर सकती हैं कि मैं नहीं, जनता जज है भाई, मेरा जज और कोई नहीं है, मेरा जज जनता, दोषी हूँ मैं नहीं हूँ, बताइए आप।